ये हमने खुद बनाई है, ये एलओसी वाली बिरयानी है। एलओसी बिरयानी, एलओसी इसका नाम ही है। हाँ, हैदराबाद की एलओसी बिरयानी क्योंकि खा रहे हैं यहाँ पे ना। किस्मत वाले ही चाय पी सकते हैं, जिनकी किस्मत भी अच्छी हो और जिनके अंदर जज्बा हो किसी जगह पे जाने का, और क्या चीज़, जो नेचर लवर हो और दिल खोल कर आना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ आने वाले थे लेकिन उनका दिल है ना, क्या ही बताए, बहुत कंजूस लोग होते हैं जो ऐसी लोकेशन मिस कर दी उसने। तो वो अगर वीडियो देख रहा है उसको एक एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी नहीं रहने वाली है। आते आते ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो ये इंडिया का टाइम 7:46 और ये पाकिस्तान का टाइम 7:16। ये 7:46 इस पे भी दिखा रहा है हमारा, ये 7:16 पाकिस्तान का टाइम, ये पाकिस्तान का 7:46 यहाँ का, ये यहाँ का है। ओ भाई चलो देखा। तो ये पहुँच गए भाई हम केरन, शाम के 8 बजने वाले और पाकिस्तान में टाइम हो गया 7:30। तो ये सामने जो देख रहे हो ये जो लाइटें दिख रही हैं उनका साइड, तो ये आ गया इंडिया का साइड। तो हम गाड़ी भी ले सकते थे यहाँ, क्योंकि रात में मौसम ख़राब होने के चांस हैं, इसीलिए हमने गाड़ी यहाँ पे नहीं लाई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती तो गाड़ी हमारी यहीं पे रहती। तो फ़िलहाल हम ये सामान लेके जा रहे हैं आगे, जहाँ पे हमें नाइट कैंपिंग करनी है, तो वो जगह भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई ये जगह है हमें नाइट स्टे करने के लिए, ये वाला हमारा है। तो सबसे पहले हम कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम कुकिंग का काम स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है मैं कुकिंग कहाँ पे कर रहा हूँ? जीरो लाइन पे कुकिंग, इसका नाम ही ये रखेंगे जीरो लाइन पे कुकिंग, ठीक है। हाँ चलो चलो, सबसे पहले चाय का एक एक कप पिलाओ हमें, कड़क बिल्कुल कड़क चाय। हाँ देखा होगा, तो फिलहाल हमारे साथ ये एक एक चाय का कप हमारे साथ देंगे यहाँ पे। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, आप ही पियोगे, मिलजुल के पियेंगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। और बाकी इन्फॉर्मेशन ये आपको कल देंगे, कल वाले एपिसोड में, तो इंशाल्लाह बाकी सब जो भी होगी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम पियेंगे जीरो लाइन पे चाय, चाय हमारी बन चुकी है बिल्कुल। सबसे पहले आप टेस्ट करो, टेस्ट करेंगे चीनी, वैसे यहाँ मिठास काफी अच्छी होगी क्योंकि भाईचारा जो है ना, हम दोनों का, दोनों कंट्रीज का भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए, इसलिए इसमें मिठास होगी। बस बस चेक करेंगे। हाँ भाई ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम चाय पीने में। तो आप भी आए यहाँ पे जीरो लाइन पे आके कुकिंग करें, चाय पिए, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको भी। तो अभी हम चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद बाकी खाना हमें बनाना है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस यार शाबाश, पाकिस्तान के काफ़ी सारे हमारे फॉलोअर्स देख रहे होंगे, तो ये कश्मीरी रोटी है, इसको भाकर खानी कहते हैं, अगर आपने खाई होगी, और ये चाय तो पी होगी, लिप्टन चाय, लिप्टन चाय। अब हम यहाँ पे बैठ के ये व्यू एंजॉय करेंगे। ये देखो तो किस जगह पे हम चाय पी रहे हैं, यहाँ पे ना किस्मत वाले ही चाय पी सकते हैं, जिनकी किस्मत भी अच्छी हो और जिनके अंदर जज्बा हो किसी जगह पे जाने का, और क्या चीज़, जो नेचर लवर हो और दिल खोल कर आना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ आने वाले थे लेकिन उनका दिल है ना, क्या ही बताए, बहुत कंजूस लोग होते हैं जो ऐसी लोकेशन मिस कर दी उसने। तो वो अगर वीडियो देख रहा है उसको एक एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी नहीं रहने वाली है भाई, आप आओ एंजॉय करो यहाँ पे। इस टाइम मैं ज़रा मिस कर रहा हूँ उसको, इतनी अच्छी लोकेशन मिस कर रहे हो आप। हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि यार मिस तो कर रहे हैं, एक टाइम एक यहाँ पे होता है। तो फाइनली चिकन भी फ्राई हो गया, तो इसको अब बाहर निकालेंगे। ये उसके बाद राशिद भाई खुद बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, तो उसी में डालेंगे ये वाला चिकन। तो मैं अपने हाथ से बना बना के थक गया, आज राशिद भाई के हाथ से खाना है मुझे, वो खुद बनाएंगे, आज टेस्ट करेंगे वो कैसा बनाएंगे। उनके हाथ से बना हुआ खाना मुझे भी आज खाना है, काफ़ी टाइम के बाद मैं भी खाऊंगा। तो चलो गैस को करते हैं बंद, जब तक राशिद भाई और जोर भाई आते हैं।
किसने सोचा था कि आज का खाना हम यहाँ खाएंगे, तो डिनर हम यहाँ पे करेंगे। तो रेडी मैंने कर दिया है, तो ज़ीरो लाइन के पास यहाँ पर हम करेंगे। तो मैंने चिकन जो रोस्ट करना था वो मैंने कर दिया, वो प्लेटें मेरी लग चुकी हैं। तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद स्टार्टर जो है हमारा वो ये रहेगा, चिकन रोस्ट चिकन है ये, साथ में चटनी है। कोई रोटी खाए इसके साथ वो रोटी खाएगा, कोई ऐसे खाए सिंपली से तो वो ऐसे ही खाएगा। उसके बाद खाएंगे हम बिरयानी। मैंने बोला उनको आगे, ये देखो भाई, बंद करो सुबह फिर बंद कर। अब होने लगी हमारी बिरयानी सर्व। नेक्स्ट देखिए हमारी बम्बई वाली बिरयानी। ये हमने खुद बनाई है, ये एलओसी वाली बिरयानी है। एलओसी बिरयानी, एलओसी इसका नाम ही है। हाँ, हैदराबाद की एलओसी बिरयानी, क्योंकि खा रहे हैं बिल्कुल जीरो परसेंट। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं सर, मुझे नहीं डाल। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, पहले ये खत्म करते हैं उसके बाद देखते क्या होगा। पेट पूजा फिर काम दूजा। तो खाना भी खत्म होने जा रहा है, उसके बाद चलेगी अपनी पार्टी। मैंने तो नहीं सोचा था यार कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे बैठना पड़ेगा और इतने करीब से पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। टीटीवाल से भी ज़्यादा करीब है ये पाकिस्तान, वहाँ पे थोड़ा दूरी लग रहा है और हाइट पे है, ये भी हाइट पे है लेकिन ये उससे ज़्यादा करीब में दिखने को मिलेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ आएँ और विज़िट करें यहाँ और देखें यार कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठने में। तो मैं आपको दिखाऊँगा बाहर वाली साइड भी। तो ये देखो भाई, वो जो लाइटें आपको दिख रही ना, ये बड़े बड़े मतलब होटल फाइव स्टार हैं, ये बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पे। कल मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा मैं। हमारी बात गई तो चलो जरूर भाई, अब चलते हैं। तो चलें आप सोने के लिए। अब अपने टेंट में आज का भाई ठीक है यार, अब आशाने पे चलते हैं। तो चलो उठाओ ये लाइटें शाइटें। तो ये लो जी, ये पहुंच गए हम अपने आशाने में। यहाँ पे राशिद भाई भी घुस चुके हैं, ये जोर भाई, ये देखो जाली वाला बंद कर, इसमें मच्छर आ गए। हाँ ये तो बंद करना पड़ेगा भाई। हाँ मैं और एक लोग भाई बाहर आए, बाहर इसीलिए आए क्योंकि टेंट में हमारी बुरी हालत हो गई, बुरी हालत कर दी, बहुत बुरी हालत, बहुत थी गर्मी भी बहुत थी वहाँ पे, टेंट में जो है ना दम घुटने लगा था। मैंने बोला एक लाख भाई को चलो बाहर चलते हैं, यहाँ पे खुली हवा में यहाँ बैठे हैं इस टाइम। ये देखो लाइट वाइट हमने लाई उधर से है कि नहीं। अब मैं और एक लाख भाई सुबह तक हम यहीं भी बैठे हैं, है ना एक लाख भाई, बस हाँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है, हवा है। हमने देखो क्या लाया, अच्छा लग रहा है इस पे। हमने अपनी कंबल भी लाई, अपना जो है ये तकिया वकिया भी लिया है साथ। ये देखो ऐसे सोने का, ऐसे उठने का, ऐसे और ऐसे अपन भी सोएगा ना, ऐसे करने का, ऐसे ऐसे तो ऐसे सोने का, बस इधर पूरा सोना है। और कल मिलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, डे टू ऑफ केरन। सुबह के बज चुके हैं 4। सबसे पहले उठाते हैं जूर भाई को, क्योंकि मैंने जूर भाई से प्रॉमिस किया था कि फजर की अजान आप दोगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे शाम को ही बोला था। ईशा की अजान भी जूर भाई ने दी थी। सबसे पहले उठाते हैं जूर भाई को, क्योंकि पाकिस्तान में अजान हो गई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम नहीं, क्योंकि अजान हो रही थी इसलिए मैंने नहीं वीडियो बनाया। तो अजान होने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो चलो उठाते हैं जूर भाई को, ये अजान देंगे, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मॉर्निंग में आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो चलो और उठते हैं, लेट हो गया, राशिद भाई को भी जगाना है, तो चलो उठते हैं। रात के बज चुके हैं 4, तो
जोर भाई को मैंने जगाया, मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं 4 बजे उठूंगा। तो क्या बोल रहे हो? नहीं आप जागे नहीं ना, मैं जागा, चाहे अलार्म रखी थी क्या रखा था। तो सबसे पहले जोर भाई यहाँ अजान देंगे। तो ये सामने मस्जिद है जहाँ पे छोटी सी लाइट दिख रही है, ये वाली ब्लू कलर, हाँ, ब्लू कलर ये वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं राशिद भाई को जगाते हैं। राशिद भाई ने बोला था 4 बजे मुझे भी जगाना, तो चलो चलते हैं। तो चलो भाई पहले मुंह धोते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना दरिया, कुछ भी दरिया है यहाँ पे नजदीक है, मुझे दरिया नीलम बिल्कुल नजदीक है। यहीं पे है ना, यहीं पे मुंह धो के जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मस्जिद में पानी कम है, यहाँ पे धोएंगे आराम से। हाँ? और उस साइड से देखो आप पाकिस्तान है, आ जाओ कोई मेरे साथ। इस पानी को देख के इस टाइम बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों पर डर लग रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वुजू हो गया, इकबाल भाई आप भी वुजू कर लो और चलते हैं नमाज के लिए, ठीक है। ये देखो इखलाक भाई भी अब वजू बनाने लगे। चलो इखलाक भाई जल्दी करो, थोड़ा नमाज का भी टाइम हो रहा है ना। ये जल्दी जल्दी थोड़ा आराम से, गिर मत जाना क्योंकि ये पानी गहरा है ना, पानी गहरा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। आराम से वजू आराम से बनाना, ठीक है, क्योंकि ये पानी बहुत गहरा है। ओ आराम से इखलाक भाई, आराम से, ऐसी बात नहीं है, आराम से गिर मत जाना, गहरा पानी है काफ़ी ज़्यादा देखो, और भाव भी तेज़ है। चलो फिर पहले नमाज पढ़ते, ठीक है। फिलहाल हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद का रास्ता यहाँ से है, मस्जिद दिखाएंगे आपको केरन की। चलो जहूर भाई, तो ये पहुंच गए हम मस्जिद पाक के करीब। तो यहाँ से रोड भी है शायद, ये हाँ ये गाड़ी आ रही है ना यहाँ पे, क्या पता। हाँ तो ये देखो मस्जिद, इशा की नमाज भी हमने यहाँ पे अदा की। मस्जिद की लाइटें देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इशा की जी अभी इशा को कोई भी नहीं था उस टाइम, उस टाइम भी हमने देखी, तो क्या पता इस टाइम कोई अल्लाह का बंदा हो, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई होंगे, नहीं हुए तो हम ही दे देंगे अजान। इखलाक भैया अगर नहीं हुए कोई तो हम ही दे देंगे अजान। हाँ वो तो मैंने आपसे शाम को ही प्रॉमिस किया था सोने के टाइम कि मैं जगाऊंगा आपको, मुझे बोल रहे थे ये कि आपको नींद पड़ेगी। चलो माशाल्लाह आ जाओ, कोई नहीं है, चलो दुख होता है ये देख के, आ जाओ।